हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आप में से बहुत से लोग ये बात जानते ही होंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कुछ लॉज के हिसाब से चलता है। ये जो लॉज है ये कभी भी हम इस लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं और ये हम सब पर लागू होता है। जितने भी इंडिविजुअल है धरती पर आए हुए हैं उन सब पर ये लॉज लागू होते हैं। और ये लॉज नेशनैलिटी हमारी क्या है, हमारा एज क्या है, इसके मुताबिक नहीं चलते हैं। ये लॉज सबके लिए लागू है। हर एक जन जो यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, जिनका जो उनका फ्लो ऑफ लाइफ चल रहा है, जर्नी चल रहा है उनका लाइफ, तो ये सब लॉज के हिसाब से चल रहा है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस नीचे ही आनी है, वैसे ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना चालू करेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम सबकी एक इमोशनल एनर्जी होती है। वी ऑल आर एनर्जेटिक बींग्स। तो ये जो हमारी इमोशनल एनर्जी है जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्स कहते हैं, ये या तो नेगेटिव हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ना खुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं और क्रिटिकल एटीट्यूड रहते हैं, रखते हैं अब लाइफ में, हमेशा अपने लाइफ को कोसते रहते हैं। वो लोग नेगेटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि जो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं वो लोग हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं, लाइफ में थैंकफुल रहते हैं और एक हैप्पीनेस रहता है उनके आसपास। और उनके आसपास रहने वालों के भी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगते हैं। जो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन एमिट करते हैं उनके आसपास रहना भी हम सबको पसंद आता है। तो इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टिप्स शेयर करना चाहूँगी, जिसे आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफ में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो पहला टिप शेयर करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ये है कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब एक थैंकफुलनेस एटीट्यूड रखना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब हम छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ में नोटिस करने लगते हैं, प्लेजर्स जो हमारे लाइफ में है वो सब नोटिस करने लगते हैं और उसके लिए एक थैंकफुलनेस रखते हैं, तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहना चालू कर लेंगे, ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हम थैंकफुलनेस रखेंगे, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको नोटिस करना चालू करेंगे और उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, उसको ग्रेटफुल रहेंगे उस चीज़ के लिए। और हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखने से हमारी एनर्जीज बहुत फास्ट शिफ्ट होने लगती है हमारे लाइफ में। तो हमें ये समझना चालू करना है कि हमारी लाइफ एक मिराकल है। न जाने कितने लोग इस लाइफ के लिए तरस रहे हैं और अब भी इसी वक्त न जाने कितने लोग हॉस्पिटल में अपनी लास्ट ब्रेथ काउंट कर रहे हैं। तो कई बार हम इतने क्रिटिकल हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर और इतना दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो आज भगवान ने दिया है वो कितनी बड़ी चीज़ें हैं। ये जो फीलिंग ऑफ लैक में हम लोग रहते हैं कि हमारे लाइफ में ये मिसिंग है और एक क्रिटिकल एटीट्यूड रखते हैं हमारे लाइफ में और छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाती है हमारी और नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो इससे हमारा एनर्जी डाउन होते जाता है, इससे हमारा फोकस रॉन्ग चीज़ों में चला जाता है और अल्टीमेटली यही रॉन्ग चीज़ें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ग्रैटिट्यूड में रहने से हम अपना फोकस बहुत फास्ट चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं और एक अबंडेंस माइंडसेट में चले जाएंगे। अगर हम पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के हिसाब से देखेंगे, ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड रखेंगे तो एक अबंडेंस वाले माइंडसेट में चले जाएंगे। जब हम थैंकफुल होने लगेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे प्लेजर्स के लिए अपने लाइफ में, आसपास चीज़ों के लिए,
आपके रिलेशनशिप्स इससे स्ट्रेंथन हो सकते हैं, अगर आप थैंकफुल वाला एटीट्यूड रखेंगे रिलेशनशिप्स में, अगर आप हेल्थ में ये एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपना हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वेट लॉस गोल्स या किसी भी गोल्स तक अपने हेल्थ में आप पहुंच सकते हैं अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे थैंकफुल वाला, वो ग्रेटफुल वाला, और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहेंगे और आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कंट्रोल्ड रहेंगे अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, थैंकफुल वाला एटीट्यूड रखेंगे। तो क्यों ना हमें आज से ही चालू कर लेना चाहिए प्रैक्टिस करना ग्रैटिट्यूड। आप छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ में जो आपके आसपास है उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, आपको जो फ्रेंड्स मिले हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपकी करंट सिचुएशन है, आपका जो जॉब है या आपकी जो हेल्थ है, किसी के लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो। जो चीज़ें पॉजिटिव चल रही है आपके लाइफ में उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अब चाहे ये छोटी चीज़ें हो या बड़ी चीज़ें हो, आप जो आप पानी पी रहे हो उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो, जो आप खाना खा रहे हो उसके लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों को आपको बस एक्नॉलेज करना है और उसके लिए थैंकफुल होना है। आज से ही हमें ये चालू करना है। आप ये कर सकते हो कि आप दिन में 10 चीज़ें लिस्ट डाउन करिए, बुक में लिखिए जिसके लिए आप थैंकफुल हो। वो 10 चीज़ें जिसके लिए आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हो, थैंकफुल फील करते हो, वो 10 चीज़ें आपको एक बुक में लिखनी है और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। अब आप रात को सोने के पहले भी ये काम कर सकते हो और पूरे दिन में आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। आप अपने हिसाब से ये चीज़ कर सकते हो। बस आपको अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स को ध्यान देना है, एक अबंडेंस वाला माइंडसेट में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने की कोशिश करना है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोग ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आज से ही चालू करेंगे। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। नमस्ते।